नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। पिछले दिनों पंजाब के बठिंडा के एक नौजवान गुरप्रीत सिंह नामक लड़के को कार से कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद डीएसजीएमसी के प्रधान मनजीत सिंह जी के महासचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरप्रीत सिंह के परिवार का साथ देते हुए आज डीएसजीएमसी के वरिष्ठ सदस्य चमन सिंह को इस पूरे केस की जिम्मेवारी सौंपी है। आइए सुनते हैं सरदार चमन सिंह को। दिल्ली के सड़कों के गुरप्रीत वर्ग का जे अज शरेआम कतल होया तो आने वाले समय से होर बहुत सारे नौजवानों का कतल होएगा। वो चाहे सिख होवे, चाहे मुसलमान होवे, चाहे हिंदू होवे, चाहे ईसाई होवे, ये सारे नूं खतरा है जिहड़े जिहड़े लोग ये नशे तो स्मोकिंग कर रहे हैं। अज असी प्रमोट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स नूं प्रमोट करना चाहते। सारा देश कहिंदा है कि साडे बच्चे स्पोर्ट्स अगे वधन, साडे बच्चे नशा ना करन। जे पढ़े लिखे लोग उन्होंने पैरा नहीं देणगे कानूनां ते तां कौन देगा, जिहनां नूं कानून का पता हैगा। एक पढ़े लिखे वकील ने गुरप्रीत नूं हिट किया, उन्हें खाली गुरप्रीत नूं हिट नहीं किया, मोटरसाइकिल हिट नहीं किया, उन्हें थ्री व्हीलर वाले हिट किया, उन्हें ओला कैब नूं हिट किया। और हिट करन तो बाद फिर उहदे पढ़े लिखे पिता ने यह सामने लिया की कोशिश की कि असी किन्ने सियाने आ, साडे किन्नी पावर आ, साडे किन्ना पैसा है। उन्हें पुलिस नूं खरीदन की कोशिश की, उन्हें धरावां बदलाउण की कोशिश की, उन्हें फिर हालात ऐसे पैदा करते। जे दिल्ली से गुरदा कमेटी इस केस का पिछा ना कर दी तो शरेआम बच गया सी। शरेआम अपने निजी साधन वरत के, अपनी पावर वरत के वह वकील एक पढ़िया लिखा जिन्हें हिट किया वो बच गया सी। और मैं दूसरी गल कह दवां कि खाली ये नहीं है कि ये लोग जिहड़े हैगे दिल्ली के लोग हैगे वह सिर्फ नशा करना पसंद करते हैं। तुहाडे सामने जे दिल्ली से गुरदा कमेटी ने आवाज उठाई गुरप्रीत सिंह हक च, तो लखां लोगों ने इस एपीशेट किया और लखां लोगों ने यदि हामी भरी कि यह जो हो रहा ठीक हो रहा, अज कानून का खिलवाड़ हो रहा। जे दिल्ली सड़कों से साड़िया भैन सुरक्षित नहीं है, जे दिल्ली सड़कों से जे चाहे बसा ट्रेना साड़िया लड़कियां सुरक्षित नहीं है, तो हालात तुम अंदाजा लगा लो। मैं केजरीवाल साहब को बेनती करना चाहना, की बेनती करना चाहना, खाली झुग्गियां पवाने जोर ना देन, खाली अपन वोटों वाले पास ध्यान ना देन, और ध्यान देन जिथे कानून की रखवाली होंदी है, जिथे हुक्का बारा नूं बंद किया जाता। साडा मुढ़ला फर्ज बनता कि अपनी जवानी नूं बचाईए, अस अपनी जवानी नूं संभाल के रखिए। साडी जवानी, साडी नौजवानी जावे स्पोर्ट्स वाले पासे और अपने देश का नाम उच्चा करे। तो जे असी परोसिया उन्हां नूं हुक्का बार, जे असी परोसिया परोसिया सिगटा, जे असी शराब परोसी, तो साडी जवानी कित्थे जाएगी। ये थी हमारी खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।